गोल गोल तां धरती घूमती है, हरी चीज गोली घूमती है, ये हमारे आकाश जी भी गोली गोली घूम रहे हैं। वेलकम टू एसी एंड इलेक्ट्रिकल एजुकेशन। दोस्तों आज हम तैयार करेंगे 2 टन का वाटर चिल्लर, तो कंप्लीट इस वीडियो में डिटेल है। आउटडोर कौन सा लेना है, कंप्रेसर कौन सा लेना है, कैपिलरी, कॉपर पाइप, टैंकी, इंसुलेशन वगैरह वगैरह, गैस का प्रेशर, वैक्यूम, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी ऑल इंडिया वाटर चिल्लर चाहिए 100 लीटर से लेकर 10,000 लीटर तक, तो हम अवेलेबल करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने आउटडोर जो है वो 2 टन का लिया है। आउटडोर में हमने कंप्रेसर को फिक्स कर लिया है, लेकिन हम भूल गए इसको पहले टेस्ट करना था, तो टेस्ट करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम होता है, तो पहले ही चेक कर लें तो अच्छा है। तो अभी हम इसकी वायर कनेक्ट करेंगे, और वायर कनेक्ट करने के बाद इसको अच्छे से टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह हुआ तो हमें अभी पता चल जाएगा, और हम इसे अभी रिप्लेस करवा लेंगे, बाद में हमें प्रॉब्लम आ जाएगा जब इसे वेल्डिंग वगैरह हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि हमने इसका कनेक्शन करेंगे, तो जो रेड वायर लगा रहे हैं उसके ऊपर लिखा भी हुआ है आर एस एंड सी लिखा हुआ है। आर का मतलब रनिंग होता है, एस का मतलब स्टार्टिंग होता है, और हमारा जो सी होता है उसका मतलब कॉमन होता है। जो हमारा फेस और न्यूट्रल लगेगा वो सी और रेड पर लगेगा, जो हमारा कैपेसिटर लगेगा वो एस और रेड पर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको चला के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। कोई नहीं करके था। लो लो लो। हाँ। तो नहीं डैडी दे मैं क्या लगे मेरे साइड। एक मिनट रुको चल आएंगे। मैं पढ़ी थी कैंडल। ये जस्ट इसको चेक करने के लिए कंप्रेसर को, हालांकि हमें पहले चेक करना था, लेकिन हमने इसको टाइट कर लें स्क्रू को, और बाद में चेक कर रहे हैं। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो पहले चेक कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो ये देखिए कंप्रेसर हमारा बिल्कुल ठीक है, ऑन हो चुका है। अब हम इसको एक बार चांट भी चेक कर लेंगे। कंप्रेसर ठीक है और इसमें फिट हो चुका है। अब हम इसमें पाइपिंग करेंगे। हम सबसे पहले जो सक्शन पाइप का कनेक्शन कर रहे हैं, ये हाफ का पाइप लिया है हमने, टोटल लाइन का पाइप यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम पाइप को एक साइड पे हम लगा देंगे कंप्रेसर के साथ, और दूसरी साइड पर लगा देंगे हम फ्लेयर के साथ। टॉर्च की सहायता से अच्छे से इसको वेल्ड करेंगे, और यहाँ पर हमने गीला कपड़ा भी रखा है दूसरी साइड फ्लेयर पर, कि वहाँ पर जो उसके वॉल हैं जहाँ पर रबड़ हैं वहाँ पर हीट अगर पहुँच भी रहा है तो वो उसे ठंडा रख सके। तो अच्छे से वेल्ड करने के बाद एक साइड का कनेक्शन हो गया, अब हम दूसरी साइड का इसका कनेक्शन कर देंगे। पानी
नहीं देख लेना कितनी दूरी हो जाता हाँ जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਣਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀਡਾ ਲਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ अब हम 38 की पाइप के साथ कनेक्शन करेंगे कंडेंसर के कंप्रेसर के साथ, जिसमें हमारा जो यहाँ से प्रेशर जाएगा इस कोयल में कंडेंसर में, जहाँ से हमारा हीट जो है बाहर निकलेगा। तो इसका फ्लेयर बना लेंगे, क्योंकि अगर फ्लेयर नहीं बनाएंगे तो ये हमारा अच्छे से वर्क नहीं करे, अच्छे से वेल्डिंग नहीं होगा, और अच्छे से वेल्डिंग करने के लिए प्रॉपर जॉइंट लगाने के लिए हमें यहाँ पर इसका फ्लेयर बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम टॉर्च के साथ ऐसे टंके लगाते हैं कंडेंसर का पाइपिंग करेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है कि जो ऊपर की साइड टंके लगे हैं कंडेंसर में, वो क्या है कि उनको खतरा होने का चांस हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर निरंतर थोड़ा थोड़ा पानी गिरते रहेंगे, और हमने गीला कपड़ा भी रख दिया है, जिसकी वजह से कि जो इसके दूसरे टंके हैं वहाँ पर ऊपर की साइड है एक टंका, और बाकी दूसरी तरफ जो कॉयल के लगे हुए हैं सभी टंके, उन पर ज़रा सा भी जो है हीट ना आए, थोड़ा बहुत हीट तो आ ही जाता है, उसका कोई इशू नहीं है, ज़्यादा हीट ना आए ताकि जो टंके जो हैं मेल्ट हो जाएँ, और मेल्ट होने के कारण उनमें से लीकेज होने का बाद में प्रॉब्लम हो, तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो ये हमने देखिए कि इसका पूरा ध्यान रखा, यहाँ पर भी देखिए कि हमने जब टंका लगा रहे हैं तो नीचे जो इसका रबड़ का था वो जल ना जाए, इसलिए हमने वहाँ पर भी हमारा गीला कपड़ा रखा। तो ये हमारे टंके जो हैं कंप्लीट लग चुके हैं। क्वार्टर का पाइप लेंगे, और हमारा जो एक कनेक्शन रह गया है जो हमारा क्वार्टर के वाल्व के साथ कंडेंसर के साथ अटैच होगा, वो वाला भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर हम जब कॉपर का पाइप काट लेते हैं तो उसको नोज प्लाज से आगे से आपने होल को ठीक से बड़ा कर लेना है, क्योंकि ये जब ट्यूब कटर से काटते हैं तो थोड़ा आगे से राउंड हो जाता है।
तो ये लगाने के बाद इसको वेल्डिंग कर लेंगे, लेकिन वो प्रोसेस हमने सेम ही रखना है। यहाँ पर धीरे धीरे पानी डालते रहना है जब हम दूसरी तरफ टंका लगाएंगे। इस तरफ ठीक है, लेकिन जब दूसरी तरफ टंका लगाएंगे तो वहाँ हमने पानी डालते रहना है धीरे धीरे, ताकि जो दूसरे जो टंके हैं वो हमारे मेल्ट ना हो, ख़राब ना हो जाए, लीकेज की प्रॉब्लम ना आए वहाँ से। जैसे हमने पहले इस पर वायरिंग किया था वैसे ही कर लेंगे। हमारा रनिंग पर हमारा रेड वायर, सी पर हमारा ब्लैक, और हमारा स्टार्टिंग पर जो येलो वायर आ जाएगा। और ये करके हम अब इसको पैक करेंगे, और इसके ऊपर फिर हम जो हमारा रिले कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर और हमारा जो मेन लाइन है वो कनेक्ट कर देंगे। जो फैन का कैपेसिटर है वो हम यहीं पर टाइल लॉक की सहायता से लगा देंगे। एक मिनट भैया। हाँ जी, तो दोस्तों ये हमारी मेन सप्लाई आ रही है। पहले ये देख लीजिए ब्लैक वाली, तो इसका जो एक वायर है हमने 4 नंबर पे लगाया है, दूसरा वायर जो है इसका 5 नंबर पे लगा है, ठीक है। और यहीं से हमने इसको कनेक्शन दे दिया है हमारे फ़ैन को, ठीक है। ये हो गया। अभी जो हमारा नीचे से वायर आ रहा है कंप्रेसर से, जो रेड है हमारा रनिंग है जो यहाँ पर लग चुका है, येलो हमारा स्टार्टिंग है जो यहाँ पर लग चुका है, और कॉमन वायर हमारा यहाँ पर लग चुका है, ठीक है, ब्लैक कलर का ये वाला। और इसमें से एक वायर देखिए जो इसका रनिंग है कैपेसिटर का, वो यहाँ पर लगा हुआ है हमारा इसको सप्लाई देने के लिए। ये देखिए यहाँ पर डबल वायर हमने लगाया है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर पर। और जो हमारा ये स्टार्टिंग वायर है, ये स्टार्टिंग सॉरी रनिंग कैपेसिटर के साथ हमने अटैच किया है स्टार्टिंग, वो ये वाली वायर जो है हमारी ये 2 नंबर पर लगी है। और स्टार्टिंग वायर की एक वायर यहाँ लगी है और दूसरी यहाँ लगी है। ये हम यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ लगा दिए, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से जब रिले ऑन होगा तो थोड़ी 5-10 सेकंड में यहाँ से कट हो जाएगा, मतलब ये इसका कनेक्शन कट जाएगा स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर के साथ। पहले दोनों आपस में अटैच होते हैं एक साथ, बाद में यहाँ से ये कट हो जाएगा, और कट होने के बाद हमारा ओनली रनिंग कैपेसिटर जो है वो चलता रहेगा और स्टार्टिंग हमारा रुक जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ स्टार्ट देना होता है, ठीक है। तो इसका पूरा डायग्राम है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में बता दूँगा। और अगर आपको ऑल इंडिया कहीं भी वाटर चिलर चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो हमारा वाटर चिलर का आउटडोर पूरी तरह से तैयार है, तो इसमें हमने कैपलरी का यूज़ नहीं किया है। कैपलरी हम जब टैंक का इसका छल्ला तैयार करेंगे कॉपर पाइप का, तो उसमें ही सीधा डायरेक्ट यूज़ करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमने इसलिए इसके अंदर कैपलरी यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो यहाँ से भी कैपलरी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कई बार क्या होता है कि आउटडोर काफ़ी कम से कम 20 फीट या हमें 30 फीट दूर रखना पड़ता है, तो जो हमारा कूलिंग है वो कंप्रेसर से ही स्टार्ट हो जाता है, आउटडोर से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कैपलरी हम आगे यूज़ करते हैं कि हमारा टैंक जहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा पानी यहाँ से स्टार्ट होता है, वहीं से कूलिंग हमारा शुरू हो। तो ये हमारा 500 लीटर का टैंकी है जिसमें हमने छल्ला बना के कॉपर कॉयल का लगाना है, चिल्लर लगाना है। तो ये अभी गंदा है, तो इसे साफ करेंगे और साफ करने के बाद हम इसमें कॉयल बनाएंगे। तो कॉयल बनाना हमने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हमने हाफ का पाइप यूज़ किया है, 100 फीट हमने पाइप यूज़ किया है इसमें, और साथ ही साथ 50 फीट हमने क्वार्टर का पाइप यूज़ किया है। तो जो बीच बीच में हमारा यूज़ होगा, तो यहाँ पर हमने 10-10 फुट का क्वार्टर का पाइप लिया है जिससे हम कैपलरी कनेक्ट करके इसमें कनेक्शन देंगे, और जो इसका लास्ट वाला दो पाइपें होगा हाफ की पाइप का, उनको हम एक बनाकर टी लगाकर एक बनाएंगे और उनका वो हमारा सक्शन पाइप बन जाएगा। तो यहाँ पर टी लगाकर हमने इस दोनों पाइप को एक कर दिया जिसे हम रिटर्न कहते हैं, सक्शन पाइप कहते हैं। तो ये हमारा छल्ला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर जो भी ब्लैक ब्लैक लगा है उसे साफ़ कर लेंगे। अच्छे से साफ़ करना है, अगर हो सके तो अपने पूरे छल्ले को ही धो लेना है, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। इसको साफ़ करने के बाद ही आपने टैंक में डालना है। अगर ऐसा भी आपने टैंक में डाल दिया तो इसको अंदर ही साफ़ कर लें और एक बार टैंक की जो है खाली कर दें। तो इसके साथ क्या बेनिफिट ये है, क्योंकि इसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं ये एक तरह का केमिकल ही है जो स्किन के लिए हार्मफुल होता है, तो ये आप डिलीट कर लें। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਟੀ ਲੱਗੀ ਦਿਖਾ ਦੀਏ, ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਐਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਈ ਐਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ अभी टैंक में हमने एक इंची का टैंकी निप्पल लगाए हैं, दो एक नीचे और एक ऊपर, क्योंकि इन दो टैंकी निप्पल से ही एक से पानी इसके अंदर जाएगा और दूसरे से इसका आउटपुट होगा। तो यहाँ पर हम फ्लोट वाल भी लगाएंगे कि जब इसमें पानी भर जाए तो अपने आप पानी बंद हो जाए, क्योंकि इसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे हम पानी की। तो अब बारी आती है इंसुलेशन की, तो हमने ब्लैक कलर का इंसुलेशन लिया है। ये
और इस इंसुलेशन का जो साइज है वो 10 mm के करीब है। टैंकी और ये चौड़ी और ये हमारी 15 feet जो है लेंथ में थी, ये सॉरी 10 feet लेंथ में थी पूरी हुई है। तो अभी हम इसको इसके अराउंड अच्छे से लगा देंगे और फिर टेपिंग कर देंगे, और टेपिंग करने के बाद हम इसमें अपना शल्ला रखेंगे कॉइल का। चल थले चल। ਵਿਚਾਲੇ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਮਾਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਚੁੱਕ 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 ਗੋਲ ਗੋਲ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਗੋਲੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਸ਼ਦਾ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਗੋਲੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ आ जा रे रे ये हमारा फिल्टर जो है हम क्वार्टर की पाइप के साथ अटैच कर लेंगे और फिर इसमें कैपलरी लगा देंगे। कैपलरी हमने जो यूज़ किया है वो 0.64 नंबर का यूज़ किया है, 28 यूज़ किया है हमने। तो आप लुकिंग भी कर सकते हैं, 28 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अच्छे से वेल्ड करेंगे और फिर इसको हम ऊपर की तरफ फिट करेंगे जहाँ पर हमारा लोकेशन है, इसको फिटिंग कर लेंगे। तो टैंक को उठा कर ले चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर इसे फिट करना है। मैं तो सर पंजाब से बात कर रहा हूँ जी सर। वीर जी पैप बाली ना हिलाओ। सीधी उधर नहीं है, सीधी इधर नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा जो कैपलरी है उसे हम अच्छे से वेल्डिंग कर देंगे। आइए बनिए तो अरे हेलो हाँ ब्रो हेलो एक एक मिनट के लिए हमारा कट कर दो अरे काली बन गया तो जो हमारी आउटडोर के साथ पैप अटैच होगी क्वार्टर एंड हाफ की उसको हम इंसुलेट करेंगे और फिर इसके फ्लेयर बना देंगे, और फ्लेयर बनाने के बाद इसको इस पर टाइट कर देंगे। और इंसुलेशन जब हम करेंगे कैपलरी को तो आपने क्या करना है इसको धीरे धीरे प्यार से इसको इसके साथ ही अटैच कर देना है, ताकि जो कैपलरी जो है हमारी वो कहीं से पिंच ना हो, या कहीं एक बार दो बार अगर ये राउंड हो गई तो ये वहाँ से टूट सकती है और गैस लीक हो सकती है। इसलिए वैसे तो अंदर ही लगाते हैं, इसे हमने बाहर लगाया तो आपको सावधानी से इसे इंसुलेट करना है और अच्छे से टेपिंग कर देना है। ਕਿਤਨੇ ਪਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿਤਨੇ ਪਰ ਪਰ ਆਇਆ ਕੋਸਣਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੋਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਫੋਨ
ਉਧਰ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਬਾਰਾਂ ਨਫਾ ਕਿਆ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੈਪ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖੰਡੀ ਲਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਮਾਰਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋ ਕਮਾਂਡੇ ਕੀ ਖਾਲਾਈ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਉਂਡ ਮੈਨੂੰ ਦੋਦੋ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਜੇ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਾਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਚੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਓ ਕਿਦੋਂ ਆ ਦੇ ਦਾ ਇਹਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਮੋਰੀ ਕੱਢ ਲਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਪਾ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣੇ ਪੈਪਾ ਲੱਗਦਾ हमारे फ्लेयर जो हैं बन चुके हैं और हमने अच्छे से इसको टाइट भी कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि गेज लगाएंगे इसमें। हमने प्रेशर वर्कर पहले इसमें से लीकेज चेक कर लिया है तो लीकेज हमें कहीं नहीं मिला। तो अब हम इसको वैक्यूम करेंगे और वैक्यूम करने के बाद हम इसमें गैस डालेंगे। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि हमने वैक्यूम करने के बाद इसमें गैस डाल दिया था लेकिन वो पार्ट वीडियो में नहीं आ पाया क्योंकि मोबाइल का जो बैटरी है वो लो हो गया था, जो पार्ट हम शूट नहीं कर पाए। तो वो बहुत ही सिंपल छोटा सा पार्ट है। अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया कि गैस चार्ज कैसे करते हैं, जहां आप मेरा चिल्लर का ही वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि सेम बैक प्रेशर रखना है। इसमें हमने 70 रखा था, उसमें 65 रखा है, बस इतना ही फ़र्क है बैक प्रेशर, बाकी सेम ही है। आप वो वीडियो जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो ये हमारा चिल्लर जो है वैक्यूम और गैस हो गया है, तो पूरा तैयार हो चुका है। अब हम जो सब जीरो लगाया है हमने इसके बीच ही लगा दिया चिल्लर के, ताँ जो क्योंकि ये ओपन में रखा है तो अगर हम ओपन में बाहर लगा दें तो उसमें पानी चला जाता, वो ख़राब हो जाता, इसलिए हमने इसका शटर ढक्कन उतार कर इसमें ही फिक्स कर दिया। अगर आपको नहीं पता कि सब जीरो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो प्रॉपर डिटेल से बना दूँगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि उन्होंने सभी काम अच्छे से किया लेकिन टेम्परेचर इतना नीचे नहीं गिर रहा है, जैसे 10 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है लेकिन 5 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारा फंडा जो है इंसुलेशन का है। अगर आपने अपनी टैंकी को अच्छे से इंसुलेट नहीं किया है तो वो आपका कूलिंग है प्रॉपर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, इसको इंसुलेट करेंगे हम अच्छे से। देखिए आपने कितनी अच्छे से इसको इंसुलेट किया है, चारों तरफ से इसको बिल्कुल प्रॉपर टेपिंग कर दिया कि कहीं से भी इसका जो है कूलिंग बाहर ना निकले। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको ऑल इंडिया कहीं भी ये वाटर चिलर चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ये वाटर चिलर मिल जाएगा ऑल इंडिया कहीं पर भी आपको चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।